ఈరోజు ఉదయం నుంచి నిజామాబాద్ నగరంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి పనుల్లో భాగంగా ఎల్ఆర్ఎస్ నిధులతో ప్రతి ఒక్క డివిజన్లలో 20 లక్షల రూపాయల పనులతో చేస్తున్నటువంటి విషయం అందరికీ తెలుసు. మరి అదేవిధంగా ఈరోజు మైనార్టీ వార్డ్స్లో దాదాపు 5 వార్డ్స్లో ఇప్పటికే భూమి పూజలు చేయడం జరిగింది. అన్నీ కూడా ప్రధానంగా డ్రైన్స్ సీసీ డ్రైన్స్ చేయడం జరిగింది. అంటే 1 కోటి రూపాయలకు భూమి పూజలు ఇప్పటి వరకు చేశాం. మళ్ళీ ఇంకొక 2 డివిజన్లలో 20 లక్షల చొప్పున, అంటే ఈరోజు పూర్తిగా 1 కోటి 40 లక్షల రూపాయలతో భూమి పూజలు చేస్తామని స్థానికంగా ఉన్నటువంటి కార్పొరేటర్లు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థితిగతులను పరిశీలించి అక్కడ రోడ్స్ కావాలా డ్రైన్స్ కావాలా అని వాళ్ళు నిర్ణయించుకొని ఇచ్చినటువంటి ప్రపోజల్స్ అనుసారంగా ఇంజనీర్లందరూ కూడా మరి ప్రపోజల్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఎక్కడెక్కడైతే వాళ్ళకి ఎమర్జెన్సీ వర్క్స్ రోడ్స్ ఉన్నాయా డ్రైన్స్ ఉన్నాయా అని చెప్పేసి వాళ్ళు పెట్టుకోవడం, మరి దానికి ఈరోజు ఒక 7 డివిజన్లకు మేము అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం. ఇప్పటికే 5 డివిజన్లలో పూర్తిగా మైనార్టీ ప్రాంతంలో వివిధ డివిజన్లలో 1 కోటి రూపాయలు అంటే 20 లక్షల 5 డివిజన్లలో ఇప్పటికే భూమి పూజలు పూర్తయినాయి. తప్పకుండా నగరవాసులకు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటూ ఈ కార్యక్రమం ముందుకు తీసుకెళ్తామని తెలుపుకుంటూ జై తెలంగాణ. आपके तकलीफ
हम देखने से हम सुनने से हमको पता चलता, अगर जब मिलते ही नहीं तो आप क्या चाहते हमको पता नहीं और हम क्या कर रहे हैं आपको मालूम नहीं। अब परसों रुके जो राकेश में है ऊपर बोले थे आज मेरा घर क्या शायद लेके मैं घूम रहा हूँ मैं, क्योंकि अमीर घर के अरेज चाहिए, गरीब घर को देखो तो ही वो सच में लीडर है, सच में वो जो आप जो भी बनाएंगे अच्छा दिल से बनाइए, हम आदर है आपके पास। क्योंकि खुदूस में जैसे बोले कि कोई अमीर आज तक यहाँ पे आया है मैं जानता हूं, आपको एक ही चीज में बोलता हूं, निजामाबाद शहर में सबसे पीछे कौन सा एरिया बोले तो नागाराम बोलते। अब मैं एमएलए जीतने के बाद कम से कम नागार में 50 बार आया हूं और आने के लिए हम डरते थे, क्योंकि जैसे भी गाड़ी लेके आओ हम ऐसा डरते थे कि गाड़ी उल्टा ना हो जाए, ऐसा रोड पे हम चल रहे थे। लेकिन आज आपके रोड के क्या हालत है, कभी मैंने मुझे पूछे कि बाबा साहब का बराड़ी का इतना बड़ा रोड चाहिए, इतना साफ रोड चाहिए, 1,70,00,000 रुपए लगा के हमने ये रोड को बड़ा रोड बनाया है। अगर गाड़ी में 100 स्पीड हो जाए अच्छे से अच्छे दुनिया में सबसे अच्छा गाड़ी आपके नारा रखते जाए। अब आपको भोजन से लेके भोजन रोड से लेके ये बाबा साहब पहाड़ी से लेके सीधा वजनी रोड तक हम इतना ही बड़ा रोड बनाने वाले हैं। क्योंकि जमीन के धंधा करने वाले हमको मिले थे रास्ते में, बोले थे सब आपके रिवाज में हमारा धंधा अच्छा चल रहा है, पहला 3,000 रुपए प्लांट को ये पूछते थे, आज 5,000-6,000 रुपए हो गए। जमीन वालों की बहुत खुशी है, कुछ लोग लगे आए थे हमसे कि हमारा जमीन जा रहे है वो आ रहे हैं तो हम उनको मनाए, ठीक है तुम्हारा 500 रुपया जाएगा लेकिन रेट तो तुम्हारा अच्छा होगा, तुम्हारा आवाज अच्छा होगा, तो समझ के खुद ही आ गया है। और जैसे हम लोग 400 घर हम बना रहे हैं, 2 बेडरूम का घर बनाए वो किसके लिए, वो जैसे छोटे छोटे रूम बनाए जिसमें नए रह सकते उस टाइप की घर बनाए। हम एक गरीब इज्जत से जीना है, इसीलिए केसीआर साहब ने पूरा तेलंगाना स्टेट में 2 बेडरूम हाउस बनाया जा रहा है। जमीन है और जमीन में 1,000 घर बनाने के लिए हमारा टेंडर सैंक्शन भी हो गया, टेंडर भी खत्म हो गया, हमको जमीन की जरूरत है। हम गए वहां लोगों से बात किए, किसी के 1/2 घर बना हुआ है, किसी के सिर्फ बेसमेंट बना हुआ है, किसी के प्लाट छोड़ा हुआ है। हम उसको रिक्वेस्ट किए कि भाई आपका चाहे 1/2 हो गया, आपके कुछ भी नहीं हुआ, आपका फाउंडेशन हो गया और प्लाट पूरा दे दो, आप 2 बेडरूम हाउस हर एक को देने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बाकी लोग आए आगे सब, अगर आप बात दिए आपके बात के ऊपर हमको यकीन है हम आगे आएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं वो पॉलिटिक्स करना चाहते, 1,000 घर अगर हम बनाएंगे हम ये सोचते हैं कि गरीब के घर बसेंगे, वो सोचते हैं कि गणेश गुप्ता साहब का नाम आ जाएगा, शेखर का नाम आ जाएगा, डॉक्टर जरूर का अच्छा नाम आएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बनाने नहीं देंगे। पॉलिटिक्स करो, अच्छे पॉलिटिक्स करो, अगर हम 1,000 घर बनाएंगे आप 2,000 बनाओ, जिसको बोलते कॉम्पिटिशन उसको बोलते अच्छा हो। अगर हम घर बनाना चाहते कोई और आके रोकना चाहते उसको कॉम्पिटिशन नहीं बोलते, अच्छा दिल से पॉलिटिक्स करना है ये जरूरी है। तो वैसे हम नहीं छोड़ेंगे वो अलग बात है, वो 2-4 दिन करेंगे आठ लिए रोक लिए उसकी ताकत बस नहीं होगा, क्योंकि हम गरीब के लिए लड़ना चाहते हैं, यहाँ पे घर आके बना के हम थोड़े लेने वाले, हम नहीं लेने वाले, यही मोहल्ला है कहीं और का है, थोड़ा कलेक्टर के हाथ में है जो गरीब रहेंगे। समझो कि अगर यहाँ पे 1,500-1,600 घर बनाने वाले हैं नगरों में लेकिन काफी गरीब है, हमको आए 5,000 एप्लीकेशन, उसमें व्हाइट कार्ड की जरूरत है और उसमें जो पहले प्लाट किसी को नहीं आया और किसी को किसी स्कीम में भी घर नहीं आया वो एलिजिबल है। 5,000 में आप ये मान लीजिए कि 3,000 एप्लीकेशन एलिजिबल आए,
किस्मत वाले हैं 1400 उनको निकल जाएगा, जो 1600 बचता है वो युवा समाज में हमको नहीं आएगा, 1600 को भी हम बनाएंगे लेकिन वो नेक्स्ट फेस में बनाएंगे। ये कर हम बना रहे, इतना सीरियसली हम काम कर रहे हैं। और नागालैंड में अंडरग्राउंड ड्रेनेज नहीं है, अभी निजामबाद के पूरे शहर में चल रहा है, लेकिन 36 करोड़ रुपए में सैंक्शन करके नागालैंड मेरे के लिए लेके आया हूँ ताकि आपके एरिया भी अच्छा हो जाए। और कुछ भाइयों यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे रोड नहीं है और यहाँ पे बराबर पीने का पानी नहीं है और लाइट नहीं है। मैं जानता हूं कि 35 नंबर डिवीजन बहुत बड़ी बहुत बड़ा है, हम एक एक डिवीजन को 1,40,00,000 रुपए हमने दिया है, इससे पहले अगर 10-20 लाख रुपए हो गए तो बहुत बड़ा रकम है। तो 1,40,00,000 रुपए कुछ कुछ डिवीजनों में बस नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ और ज्यादा से ज्यादा रकम मैं आपको देके रोड के ड्रेन्स के पानी के इंतजाम में करूंगा। याद रखिए कि तेलंगाना आने से हर एक कम्युनिटी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, एक सुनहरे तेलंगाना देश का रास्ता बनाना चाहते हैं। सुनहरे तेलंगाना मतलब क्या होगा? 3 टाइम खाना पेट भर के खाओ, चैन से नींद सो और अपने घर के सामने, हमारा तो फिर खेती बड़ी है नहीं क्योंकि खेड़ा गांव हमारा बताइए, खेतों को करंट होना, टाइम लाइन को फर्टिलाइजर होना, वो तो मसला हमको नहीं है। जो शहर वालों को इतना रहता कि हमारे घर के सामने रोड अच्छा हो, शाम में बिजली हो, पीने के लिए पानी हो और मोरी साफ हो और ना किसी रोड़ी के बोले के अंदर तकलीफ ना हो, हमारे दूसरा आनंद प्राप्त हो। 4 साल हो गया इस शहर में कोई गुंडा बिजली का रोगीजन का कोई कुछ है? जब तक हम एमएलए हैं वो कभी कुछ भी नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो बुढ़े लोग क्या करते पोलिटिकल लीडर के पीछे रह के बुढ़े एकदम करके बोलते पुलिस वालों को खोले रहो, हमारे पास नहीं आते, क्यों नहीं आते? हम उनको फोन नहीं करते, नहीं छोड़ाते, तो इसलिए हमारे पास नहीं आते और ताकत भी नहीं आएंगे, वो हम छोड़ाएंगे भी नहीं, अगर गाला ना करे तो अंदर बंद करवा देंगे। इसलिए 4 साल से कोई गड़बड़ नहीं है, शांति है। तो इसीलिए ये 5 चीजों से जो गरीब मांग है वो एक ही सोचती है, मेरा खाना मैं खा लूंगा, मेरे घर के सामने रोड अच्छा रहना, साफ सफाई रहना, बदबू नहीं रहना, लाइट अच्छा रहना, मेरा बच्चा जो ड्यूटी में गए, मेरे मर्द जो ड्यूटी गए सही सलामत से अपना घर को आ जाना, बस इतने ही चाहते, लेकिन आपको ये इंतजाम हो जाए। लेकिन छू मंत्र करने के लिए मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, धीरे धीरे हम सुधरते सुधरते आ रहे, और भी मुझे मौका दीजिए, अगर आप प्यार मोहब्बत आप मेरे को आगे भी आप जिताएंगे इस निजामबाद को पूरा हम अच्छा, क्योंकि आप ही के सामने जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है आप ही लोग देखेंगे, नागालैंड को कोई बोल के भी नहीं बोलते, आज हम देख रहे हैं और साथ में कुछ कानूनी है वो कानून वालों को हम ये पूछते हैं कि भैया आप जोकर बच्चे में क्यों रहना सब जो 400 करोड़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके सामने वालों को हम पूछे क्यों जोकर बच्चे में, ना ही आपको रोड है, ना ही मोरी है, ना ही पानी है, आप खाली करो 8-9 महीने में आपको 2 बेडरूम हाउस बना के देंगे, जैसे जैसे लोग आएंगे हम उसको इज्जत रहने का इंतजाम पूरा करेंगे। और ऐसा मौसम जो मेरे सब आया बाद में नहीं रुकेंगे, हम जरूर आएंगे